महाराज धृतराष्ट्र, आज आपके अनुज सम्राट पांडु के परिवार ने एक बार फिर से उपकार कर दिया है आप पे। जाइए सुख भोगिए, किंतु जब तक सुख दिखता है तब तक स्मरण रहे जिस दिन मेरे पुत्र स्वतंत्र होंगे उस दिन आपके सुख का अंत होगा। आपके पुत्र स्वतंत्र होंगे। मौन रहो मेरे बच्चे, मौन रहो। बोलने दीजिए उसे गांधार राज, उसका घमंड बोल रहा है ये शब्द। तुम द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहते थे ना दुर्योधन, अब देखो देखो अपनी सभा को। मुख में विष लेकर चलने वाले सर्प की त्वचा भी उसका त्याग कर देती है। जिसने ये अधर्म मौन रह कर देखा, देखो वो सब स्वयं सर्प के भांति निर्वस्त्र हो गए हैं। देखो अपनी सभा को। सुन लो पुत्र दुर्योधन, शीघ्र ही मैं द्वारिका जाकर कृष्ण की नारायणी सेना हस्तिनापुर के द्वार पर लाऊंगी और कृष्ण तथा बलराम से विनती करूंगी कि गुरु वंश को पराजित करें, मेरे पुत्रों को स्वतंत्र करें। किंतु आप में से किसी को मारे नहीं, क्योंकि मेरी पुत्र वधु के अपमान के प्रति शोध का उत्तरदायित्व तो केवल मेरे पुत्रों का है। और ये कार्य केवल मेरे पुत्र ही करेंगे।